नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। ठेली लगाए बेर की, सवारी करे शेर की। यह पाकिस्तान के उन मनहूस मुल्लाओं की कारस्तानी है जिनकी आधी जिंदगी तशरीफ को तैमन से छुपाने की कसम कसमें गुजर गई, पर दो आदतों ने इनका कभी साथ नहीं छोड़ा है, एक ख्वाब और दूसरा जुलाब। मदरसा पैदा इसके यहां जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मुल्ला जी उसके कान में फूंक बाद में मारते हैं, पहले कश्मीर बोल जाते हैं। मुल्ला जी की यह खतरनाक फुंकार जाहिलों का पैदाइशी ख्वाब बन गया है, पर जुलाब तब आता है जब भारत एक घुड़की देता है और मदरसा पैदा इस लोटे ढूंढना शुरू कर देती है। यानी पाकिस्तान के लपाटी मुल्लाओं की जिंदगी जुलाब और ख्वाब के इर्द गिर्द घूम रही है। अब मदरसा मुल्क के एक और मुल्ला को ख्वाब आया है, ख्वाब भी ऐसा कि कराची, क्वेटा और इस्लामाबाद तक हिल पड़े हैं। मुल्क की फंटर कोम में हड़कंप मचा हुआ है और वजीर आजम हाउस के कंगूरे तिरछे बाके हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस मुल्ला ने जो ख्वाब देखा है, पहले उसे इसी मुल्ला की जबानी सुन लेते हैं, क्योंकि इस बार ख्वाब मामूली नहीं है, बल्कि मुल्लाई ख्वाब ने पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार तक के हाथ पांव फुला दिए हैं। अच्छा, मुझे काफी दिन से ख्वाब आ रहा था। मैं बहुत परेशान था कि ख्वाब आ रहा है और मैं क्या करूं। उसके अंदर कैद आजम लामा इकबाल ने जज़्ब और जलाल से मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं अमल करते, हमारी बात सुनो और टीवी स्टेशन पे या मतलब मीडिया के पास खबर बचाओ और अखबार पे खबर लगा दो। मैंने कहा मुझे कोई ताकत नहीं, परोच नहीं। उन्होंने फरमाया कि हम तुमसे हलफ लेते हैं, हम तुमको पाकिस्तान का सदर बनाते हैं। उन्होंने मुझसे हलफ लिया, चार सूत्र कुरान पाक सुनी और हलफ ले लिया और मुझे सदर पाकिस्तान बना दिया। उन्होंने कहा कि तुमने हजरत दाता साहब की दरबार पे चादर चढ़ानी, अल्लामा इकबाल के दरबार पर भी चादर चढ़ानी है और उसके बाद टीवी स्टेशन पर खिताब करना कौन से। अगर अब भी इस मुल्ला जी के ख्वाब को नहीं समझे हैं तो हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। दरअसल जनाब का कहना है कि उनके सपने में अल्लामा इकबाल आए और उन्होंने कहा हमारी बात सुनो और उस पर अमल करो, टीवी स्टेशन या रेडियो तक यह संदेश पहुंचा दो, हमने तुम्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है। जनाब का दावा है कि अल्लामा इकबाल ने अपने दरबार में चादर चढ़ाने का आदेश भी दिया है। उसके बाद सदर पाकिस्तान के तौर पर टीवी स्टेशन से जनता को संबोधित करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अल्लामा इकबाल एक प्रसिद्ध शायर थे और उनका जन्म 1877 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। बताया जाता है कि उनके दादा परदादा कश्मीरी पंडित थे, यानी यही अल्लामा इकबाल जाहिल के ख्वाब में आए और पूरा पाकिस्तान हिल गया। यूं भी मदरसा मुल्क इस वक्त गधा पकाओ बकरा बताओ वाले हालात से गुजर रहा है। देश के बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ तैमंद फेंक कर भाग चुके हैं और इस्लामाबाद में बैठी सरकार बुरका पहनकर घूम रही है। ऐसे में कहीं न कहीं ख्वाब वाले मुल्ला जी पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हो सकते हैं। यही नहीं, ये मुल्ला जी जिस अंदाज में ख्वाब गाथा सुना रहा है उससे लगता है कि अब बस यही है जो IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी सबसे कामयाब डील कर सकता है। यूं भी इस पाकिस्तानी जाहिल को यह ख्वाब ऐसे वक्त आया है जब IMF टीम का पाकिस्तान में आखिरी दिन है और आज ही IMF मिशन तय करेगा कि मदरसा मुल्क को बेल आउट पैकेज दिया जाना है अथवा उसके दिवालिया होने की बुनियाद रखनी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।